लड़की स्टेशन पहुंचती है तो इसे एक जोकर मिलता है। वो बिना हाथ में फोन लिए कोई नंबर डायल करता है, तभी बगल के फोन बूथ पर कॉल आता है। उस लड़की को आश्चर्य होता है, लेकिन वो समझती है ये कोई ट्रिक दिखा रहा है, इसलिए वो फोन उठाती है और हेलो कह के उस फोन को दोबारा रखती है और वहां से आगे चली जाती है। लेकिन ये काम जोकर को अच्छा नहीं लगता, अब वो गुस्से में हो जाता है। वो लड़की प्लेटफॉर्म पे लगी बेंच पे जाके बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बगल में देखती है वो जोकर उसके बगल में ही बैठा रहता है। वो ये देख के बिल्कुल डर जाती है और वहां से उठकर दूसरी बेंच की तरफ चली जाती है। जोकर भी वहां से चला जाता है। अगले ही पल जब वो सामने देखती है तो वो जोकर अपोजिट प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ दिखता है। अब उस लड़की को उससे डर लगने लग गया था। वो अपने बैग से एक सेब निकालती है और खाने लग जाती है। उसने अभी एक ही बाइट लिया था। जैसे ही वो सेब का दूसरा बाइट लेने जाती है उसका हाथ वहीं रुक जाता है। अब वो जोकर उसे कंट्रोल करने लग गया था। अब जोकर खड़ा हो गया था और उधर से ट्रेन भी आ रही थी। जोकर आगे बढ़ना शुरू करता है। वो लड़की भी आगे बढ़ने लग जाती है। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्यों रहा है। ट्रेन पास पहुंचने वाली थी। लड़की बिल्कुल प्लेटफॉर्म के किनारे थी। जैसे ही ट्रेन वहां से क्रॉस होती है लड़की उसके सामने कूद जाती है और उसका सेब जोकर के पास जाके गिरता है। जोकर उसे उठाता है और खा लेता है।